पानी की समस्या से जूझ रहे मेहरोली के गढ़वाली कॉलोनी के लोगों ने विधायक नरेश यादव के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज की दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के दफ्तर के अंदर पहुंचकर महिलाएं और पुरुषों ने जमकर प्रदर्शन किया। पिछले काफ़ी दिनों से इनके यहां पर पीने का पानी नहीं आ रहा है, जिससे निराश होकर आज महिलाओं ने और पुरुषों ने नरेश यादव के दफ्तर पर पहुंचकर हंगामा काटा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वसंत कुंज की, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये सभी लोग मेहरोली वार्ड 2 के गढ़वाली कॉलोनी के रहने वाले हैं और लोगों ने बताया कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने विधायक के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि उनके विधायक उनकी कोई भी सूद नहीं लेते हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो जमकर प्रदर्शन है वो उनके दफ्तर के अंदर किया जा रहा है। पानी दो, पानी दो, राघव चड्ढा मुर्दाबाद। इनसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं, ये वो है जो पब्लिक का खून पी रहे और पानी पीने देते ही हैं। 14 दिन में 15 दिन में आधा घंटा पानी ऐसा था गुंडों की। अरे ये समस्या तो सालों से है, लेकिन 6-7 दिन पानी आ जाता था, 6-7 दिन अब तो 12-12 दिन 10-10 दिन 12-11 दिन पानी आ रहा है, आधे घंटे सप्लाई नहीं आती है। किस जगह आप लोग रहते हैं? गढ़वाल कॉलोनी वार्ड नंबर 2 मेहरोली। तो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन यहाँ हम इससे पहले भी 3 बार आ चुके हैं, हर बार ये यहाँ यही कहते हैं कि विधायक जी नहीं है, बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, दिल्ली से बाहर हैं, हर बार यही आश्वासन मिलता है, हर बार यही आश्वासन। विधायक जी कभी आज तक सकल नहीं देखा इलेक्शन के बाद से। तो कितनी परेशानी होती है बिना पानी के, किस तरीके से? आप अंदाजा लगा लो, बिना पानी का लैट्रिन जाना, बाथरूम जाना, फिर ऊपर से कह रहे हैं कि दिन में 10 बार हाथ धो। प्राइवेट टैंकर लाने पड़ रहे हैं, हमारे गली में आके चल के देखिए, रात दिन टैंकर चल रहा है, प्राइवेट आ रहे हैं, 3 दिन पानी नहीं चल रहा है। जो आज विधायक के ऑफिस आप आए हैं, किस तरीके से आक्रोश दिखा रहे हैं? जबरदस्त समस्या है, वहाँ प्राइवेट टैंकों से वहाँ पर अपनी पूर्ति कर रहे हैं, बिल्कुल जो है पानी आ ही नहीं रहा, जो फ्री पानी 15 दिन होंगे पानी।